हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक इंग्लीश ग्रामर मॉक टेस्ट क्लास 39 को स्वागत। फ्रेंड्स, आपण यदि सीरियसली प्रिपेरेशन करूछन एएसओ एग्जाम पई वीडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत निहाती देखंतु, काहेकि ना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को निया हेछि जहा कि आपणक एएसओ एग्जाम रे एई भली प्रश्न आसुछि। तो फ्रेंड्स देखंतु, प्रथम प्रश्न अछि, सपोज यू आर ए राइटर एंड योर लास्ट वर्क इज ए पोएम, दिस पोएम कैन बी कॉल्ड एज। तो ये कहुचे मनेकर तुम जड़े कवि लेखक एवं तुमर शेष कृति, मानने तुम्हें धर गोटे कवि यदि से कवि कविता जो लिखीछ तापर आणसी कविता लिखना जदि गप लिखुच तौसी गप लिखना। तो गोटे लेखकर कविर शेष कृति को कौन कहुए, दि पोएम कैन बी कॉल्ड एज। तो ये कौन कह पोएम कहुई, तो तुम्हें गोटे शेष कविता लिखिल, तो से शेष कविता को आम कौन कहीपर। तो कन्फ्यूज करने ये सब ऑप्शन दिखाई पाने कुकोसंग कहते जेहतु कोईलीटा गीत गाए, कितु कुकोसंग हे ना करेक्ट आंसर हे स्वान संग हे। यहाँ मन रखु गोटे लेखक व कविर शेष कृति को आम कौन कही था, स्वान संग बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो पूर्व फ्रेंड्स आपण एएसओ इंग्लीश 500 प्राक्टिस क्वेश्चन तैयारी कराई जहाँकि आप पीडीएफ बुक आकार 200 पेज रो पीडीएफ बुक क्वेश्चन सहित आंसर अच्छी एक्सप्लेनेशन अच्छी जो जगह दरकार। तो आप थे लाइफ टाइम यूज करेंगे, ओनली 79 रुपीस रे पाई पारिबे 25 तारीख पर्यंत। 25 तारीख पर यार रेट 111 हो सहित आपड़ वीडियो पारे जो 500 क्वेश्चन दिखाई से 500 क्वेश्चन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन वीडियो आपारे। तो फ्रेंड्स कांटेक्ट करूँ व्हाट्सएप नंबर 8658984556 नंबर आप मेसेज करूँ, डिटेल्स जो कौन डाउट रोचे तेल आप पचारिपारे और तापर नहीं पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा, यू टुक योर ब्रदर टू हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू लिसन बॉडी साउंड, मेनली साउंड ऑफ द हार्ट ऑफ योर ब्रदर द डॉक्टर यूज्ड ए। मनेकर तुम्हें गोटे हॉस्पिटल को तुम भाई को नेलो, यू टुक योर ब्रदर टू दि हस्पिटाल दीटे लगे इन अर्डर टू लिसन दि बॉडी साउंड मेनली साउंड ऑफ दि हार्ट ऑफ योर ब्रदर। तो हस्पिटाल नेला तुम भाई रो जो बॉडी रे जो साउंड गुड़ाक हो मेनली हार्ट रो साउंड को शुणापी डॉक्टर यूज डॉक्टर कौन व्यवहार कले, डॉक्टर कौन व्यवहार कले, माइक्रोस्कोप स्टेथोस्कोप पेरिस्कोप टेलीस्कोप कौन कले कौन यूज करती। तो यही प्रकार आप देखिथे यही प्रकार गोटे थाए जोटा कि यही प्रकार गोटे थाए डॉक्टर यटा को आम छाती रखिकी तांको कान रे एटा को देखी सुनती। तो यहाँ कौन कह जाए स्टेथोस्कोप कह जाए, और माइक्रोस्कोप रे कौन करा जाए जोटा आपण बहुत छोट छोट जीव यूनिसेलुलर एक कोशी प्राणी है से मानक भूताणु जीवाणु ए भाइरस यही टाइप रो जिनिस को माइक्रोस्कोप रे देखा जाए, आपण ब्लड टेस्ट मध्य करा जाए। तो छोटो छोटो जिनिस को माइक्रोस्कोप साहाज्य रे देखा जाए, दूर जिनिस को टेलीस्कोप माध्यम रे देखा जाए। धरंतु आकाश रे तो आम केवल सूर्य को देखी पारुछु किंतु बहुत सारा स्टार अछंती, हजार हजार कोटी कोटी स्टार अछंती, से सब कुछ देखा कौन व्यवहार कराए टेलीस्कोप, दूर जिनिस को टेलीस्कोप साहाज्य रे, छोटो छोटो जिनिस को माइक्रोस्कोप साहाज्य रे, एवं हार्ट रो साउंड बा बॉडी साउंड को स्टेथोस्कोप साहाज्य रे सुना जाए। तो पेरिस्कोप रे कौन करा जाए आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, बहुत एटा होजो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु। ता पूर्वरु आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करिनहंदी निहाती भाबे सब्सक्राइब करंतु, काहेकि ना सबु प्रकार एग्जाम रो प्रिपेरेशन एही चैनल रे हुए, एटा मन रखंतु। तो एटी आमे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया है कि आई रेयरली वेंट टू मीट डैश अक्रॉस द रोड, आई रेयरली वेंट टू मीट डैश अक्रॉस द रोड। तो एटी गोटे एडवर्ब लागि देखंतु रेयरली, रेयरली टा होचे आपनकर एटा नेगेटिव सेंस माने नेगेटिव एडवर्ब कहले मते चलबो नेगेटिव सेंस रे एटा व्यवहार होय माने मु रेयरली बिरळ मैं केबे जाय नै तार तो बहुत कम जाय ए प्रकार कथा। तो ए एडवर्ब जे दिले व्यवहार होउछि आई रेयरली वेंट टू मीट, रेयरली नेवर
यहाँ मन रखु हार्डली यू कौन हो नेगेटिव सेंस रे यहाँ व्यवहार होता है। आई रेयरली वेंट टू मीट तो कौन हम बहुत पिला कौन करते नो बॉडी कर दिखते नो बॉडी तो नो बॉडी हम ना नो बॉडी हम ना एनी बॉडी हम ना एनी बॉडी हम कौन हम तो नो बॉडी कर दिखती एक्चुअली नो बॉडी यहाँ ठीक यहाँ मन रखु नो बॉडी जो लिखाई है यहाँ ठीक आनी बॉडी यहाँ ठीक एनी बॉडी यहाँ जो चूज कले भूल हे ठीक अच्छे तो ये नो बॉडी लिखते देख नो बॉडी लिखले कौन असुविधा हे मुझे आई रेयरली वेंट टू मीट नो बॉडी अक्रॉस द रोड रेयरली तो एक्चुअली नेगेटिव हिसाब से व्यवहार है तो ये आनसी जिनस कौन वार्ड नेगेटिव सेन्स व्यवहार होबना मैंने मुहारी एनी बॉडी हम ये कौन मुहारी को भेटिली ना रास्ता सारा मुहारी को भेटिली ना रेयरली मीट मान कौन तो नेगेटिव रे नेगेटिव ये नो बॉडी केबे हेबो ना एटी जदी कोरे नेगेटिव एडवर्ब लागि जाउची एडवर्ब जदी नेगेटिव सेंस रे बुझौची एटी सोले नेगेटिव वर्ड हेबो ना केते बेले भी नेगेटिव वर्ड यूज हेबो ना एटी पॉजिटिव वर्ड यूज करिबे आपण एनी बॉडी एटा मने रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस आपण को के कहिबे ना। नेक्स्ट स्पॉट द एरर ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी तो एठी कोठी अछि भूल सेटा आमे देखिबा तो यहाँ आप जा सारी जेहेतु यार प्रीवियस नंबर में आपन को पढ़े तो हि डज नथिंग नथिंग गोटे नेगेटिव सेन्स यूज है तो ये एडवर्बा कौन हम नथिंग जो आसूँ तो ये नेभर हेबना ये कौन हम एवर होता कौन होता एवर होता मैंने दुईटा नेगेटिव सेन्स को बुझाऊ शब्द केवे भी गोटे सेन्टेन्स रहा हि डज नथिंग विदाउट एवर कनसल्टिंग मी तो यहाँ हवा कथा तो भूल कौटी रही नेभर कंसल्टिंग। नेक्स्ट माई ब्रदर इज डैश हेल्दी कौन हम सो हे ना भेरी हे ना ठू हे ना नून अफ दी हे देखा यहाँ तो बहुत पिला सो करदे कि न जाणी तो कहीं सो हे ना से कौच तो जेते बेले भी आपण सो यूज करुछंती ता सहित दैट निहाती भाव लगवा कथा सो सहित कौन लगे दैट लगे सो दैट माय ब्रदर इज सो हेल्दी दैट इज ना तो सो आसीबो ना ठू मध्य एकला लगे ना ठू मध्य एकला यूज हेबो ना तो ये कौन यूज हेबो भेरी यूज हेबो माय ब्रदर इज भेरी हेल्दी ठू सहित टू लगी थे तो माय ब्रदर इज भेरी हेल्दी तो यहाँ हम करेक्ट आंसर माय ब्रदर इज टू हेल्दी हम ना। नेक्स्ट ऑफ द टू सिस्टर डैश इज मोर इंटेलिजेंट यहाँ देखो आपण को जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर मु पढ़ाऊँ केवल एसओ पाई नुह आप जिते भी हाई लेवल रो एग्जाम दूसरे ना सबुति इंग्लिश ग्रामर काम आसचुअली पढ़ाऊँ यहाँ मन रखि था खाली एसओ पाई यहाँ एप्लीकेबल सेमती नुह आपण एसओ पर आउ भी किसी बड़ जब जब करने चाहते एसओ रो मॉक टेस्ट जहाँ भी वीडियो करा हुई ये 39 नंबर वीडियो या पूर्व 38 वीडियो ऑलरेडी करा है सारी आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जानतु लिंक दिखाई सब वीडियो देखिपारे फ्यूचर में जो अलग कौन से जब आप प्रिपेरेसन करती भाव यही वीडियो देखते आपण काम आसव ऑफ द टू सिस्टर डैश इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर बहुत पिला हु करेंगे बहुत पिला 99.9% पिला हु करती कहीं हु करेंगे टू सिस्टर अच्छी मैंने यहाँ पर्सन पर्सन अच्छे मैंने हु हेब एमती भाविक हु करेंगे कितु ये हुईच हेब हुईच अरे हुईच केमती हेब हुईच तो सब थिंग बुझा जाए एमती आम पाठ पढ़ुचे मैंने हुटा पर्सन थे हुमटा ऑब्जेक्टिव केस्रे पर्सन थे हुईटा थिंग्स थिले हुए किंतु मने रखंतु जेते बेले दुईटा जिनिस भितरे कंपैरिजन हुए टू और मोर देन माने बहुत दुईटा जिनिस कि माताटु बेसी जिनिस मधे कंपैरिजन हुए आपन को चूज करबाक पड़े चॉइस करबाक पड़े सही जगह रे हुईज हुए सही जगह रे कोन हुए हुईज तो एटी कोन देखा लेखाई देखंतु ऑफ द टू सिस्टर दुईटा सिस्टर मध्य रे की बेसी इंटेलिजेंट आपन को चूज करि कहबाक हो ये बेसी इंटेलिजेंट ना सी बेसी इंटेलिजेंट तो कंपेरिजन जो चूजिंग जो हो जगह कौन लगे हुईज लगे तो ये बहुत लोग अच्छा बहुत सारा आगे क्वेश्चन मुझे
बहुत सारे लोक अच्छा गोटे मेलारे गोटे फेयर रे FAIR फेयर ये मेलार बहुत सारा लोक अच्छा और तुम्हें ये ढाई तुम सांग आसिक तुमको पचारा जे ये भितर किए तुम बापा हु इज योर फादर हेब ना हु इज योर फादर हेब ना कहीं बहुत लोक अच्छा एम भितर तुम्हें चूज करके कौच तो ये जगह कौन हे हुईज इज योर फादर हेब हुईज इज योर फादर यहाँ मन रखत बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन नेक्स्ट एव्री ओन अफ दि स्टूडेंट्स डैश ओबिडियंट एव्री ओन अफ दि स्टूडेंट्स डैश ओबिडियंट तो देखो ये कौन हम स्टूडेंट्स अच्छी स्टूडेंट्स अच्छी मैंने प्लुराल अच्छी प्लुराल जो थी कौन हुए भातटा से हिसाब से हुए किंतु एटी हम ना कहीं हम ना एव्री ओन लगी देखो एव्री जो लगुच जो एव्री जो लगुच नोन जो लगुच इज जो लगुच यही सब शब्द जदि लगुच गोटे सेन्टेन्स जहाँ भी था ना कहीं प्लुराल थी ये निहाती भाव सिंगुलर भार्व हे सिंगुलर सिंगुलर तो हे ना एव्री ओन सहित तो ये सिंगुलर भार्व हे एव्री ओन अफ दि स्टूडेंट कौटा सिंगुलर इज इच ओबिडियंट एव्री ओन अफ दि स्टूडेंट्स इच ओबिडियंट नेक्स्ट यूज आर्टिकल बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दिखाई देखो यहाँ बहुत पिला भूल करते एबे आपण मध्य भावंतु को आर्टिकल लागबो 500 प्रैक्टिस सेट रे एमिती गोटे क्वेश्चन अछि डॉग्स डॉग्स आर एडमु मने पके दउ छी मने रखन मने पकंतु डॉग्स आर एनिमल ए गोटे क्वेश्चन मु कहू छी तो आपणकर प्रैक्टिस सेट रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को दिया हे छी सिलेक्ट करिके दिया हे छी आपणको काम रे आसीबो निहाती भाबे आसीबो आपण प्रैक्टिस निहाती भाबे करंतु नै कि ओनली 79 रुपीज 79 रुपीज आपड़ 500 क्वेश्चन पाई सहित एनसर पाइबे व्हाट्सएप नंबर कंटाक्ट करते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई तो लायंस आर कार्निवर्स तो ये समस्ते कौन करेंगे ना सेंटेंस गुटे दिखाई आउ यूज आर्टिकल कही मैंने दि गोटे बसईदे दि लायंस आर कार्निवर्स ये केवे ना तो मुझ आरंभ रू पढ़े जमीती देखो डॉग्स आर फेथफुल लगे कि प्रैक्टिस सेट रे देखो एक क्वेश्चन अच्छे डॉग्स आर फेथफुल गोटे क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस सेट रु नहीं गोटे क्वेश्चन कहूँ तो प्रैक्टिस सेट रे या भाया प्रश्न सब रही बहुत सारा प्रश्न अच्छी जोटा कि डिस्कसन करवा संभव नुहे सब प्रश्न ए डिस्कसन करवा संभव नुहे तो निहाती भाव आम धीरे धीरे गोटे दुटा आने की सहित जो मैंने प्राक्टिस सेट नहीं तो निहाती भाव ये 39 वीडियो देखु जो मैंने देखी नहांती निहाती भाव देखु या सहित तो से प्रैक्टिस सेट करूँ आपण आप आहुरी इजिली करेंगे तो लायंस आर कार्निवर्स अच्छी तो मन रखु ये जदि प्लुराल अच्छी मानने सिंह मैंने कार्निवर्स मांसाशी प्लुराल जो अच्छे दि लगे ना कि सिंगुलर था दि दि लायन इज ए कार्निवर्स जो था सपोज दि लायन माने कौन ये समग्र लायन को बुझाऊँ दि लायन माने लायन जाति को बुझाऊँ दि लायन इज कार्निवर्स हे ये तो ये दि लगे ये दि लगे ये मन रख ताप देखा दि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोजेसेस बोथ दि सिविल एंड क्रिमिनाल जुरिस्डिक्शन ये दि लगे ना दि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोजेसेस बोथ दि सिविल एंड क्रिमिनाल जुरिस्डिक्शन तो ये देखो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने कौन कलेक्टर कलेक्टर होती कलेक्टर को आम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कही था मानने गोटे जिलार जज मानने मजिस्ट्रेट बोली था जज बोली कहुए तो से कौन हम देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोजेसेस कौन कौन से प्रोजेसेस करती सिविल भी प्रोजेसेस प्रोजेस करती और क्रिमिनाल जुरिस्डिक्शन प्रोजेसेस करती तो दि सिविल ठीक अच्छे तो क्रिमिनाल गोटे अलग कथा तो दि क्रिमिनाल दि सिविल एंड दि क्रिमिनाल जुरिस्डिक्शन हेटा मैं रखते नेक्स्ट यू कैन गो नाउ हियर कैन हैज यूज टू एक्सप्रेस यू कैन गो नाउ ये जो यू कैन गो नाउ अच्छी ये कैन टा कौन को एक्सप्रेस करुची कौन को रिफर्स करुची पॉसिबिलिटी एबिलिटी परमिशन परपज आम पूरा जो मैंने घोषी दे कैन टा के अर्थर व्यवहार हुए कैन टा के अर्थर व्यवहार हुए ना सामर्थ्य अर्थर व्यवहार हुए
पॉसिबिलिटी अर्थ में व्यवहार हुए पॉसिबिलिटी यू कैन डू दिस तुम्हें ये काम कर आई कैन डू दिस मैंने मुझे कम कर एबिलिटी तो यही जो एबिलिटी अर्थ में हो तो ये कौन करते समस्ते एबिलिटी को करते कि यू कैन गो ना तुम्हें ये जापार परमिशन हिसाब से यूज हे नेक्स्ट He is good looking but insipid young man. एठी insipid रो मीनिंग टा कोनो? He is good looking से बहुत बढ़िया देखा जाऊ छी किंतु insipid insipid बट लागि छी जेहेतु एटु जदी आपण मीनिंग जानि नहंती बट जेहेतु लागि छी He is good looking but insipid young man बट जेहेतु लागि छी माने एटा पॉजिटिव कथा एटु कहू छी माने एटे नेगेटिव हेइतबो insipid रो मीनिंग टा कोनो होतबो निहाती भाबे नेगेटिव हेइतबो नेगेटिव माने कोनो विपरीत हो गुड लुकिंग मैंने से जदि भी भल देखा जाए कि पॉजिटिव वर्ड यूज ना कौटी नेगेटिव अच्छे देख एरोगेंट वाइज वाइज तो हेब ना जेहतु पॉजिटिव कथा सिक लैकिंग ए तीन टा कथा अच्छे ये भितर आम गोटे बाछवा को पड़े इनसीपिड मीनिंग हूँ निस्तेज सतेज जी न था इनसीपिड मैंने लैकिंग इन स्पिरीट ता भितर किसी स्पृहा ना स्पृहाटा सरी जा तार इंटरेस्ट नहीं किसी कम करवा मन ना यही प्रकार कथा इनसीपिड मान तो लैकिंग इन स्पिरीट स्पिरीट अभाव यार सिनोनिम करवा दिस इज ए लुक्रेटिव बिजनेस लुक्रेटिव जहाँ भी सिनोनिम कहूँ फ्रेंड्स निहाती भावे आपण मन रखु खाता जी धरी लेखु युड़ाक इम्पोर्टाट सिनोनिम गुड़ाक दिहि तो एथिरु आसीबार संभावना मध्ये रहुछि तो दिस इज ए लुक्रेटिव बिजनेस लुक्रेटिव माने कौन एक्चुअली जोटा आपण को बहुत प्रॉफिट जोटा दिए जोटा लाभ बेसी दिए ताको हमें लुक्रेटिव बिजनेस कहंदु एटा अट्रैक्टिव यार मीनिंग नो लुक्रेटिव माने होजी प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव रो मीनिंग टा होजी कौन प्रॉफिटेबल तो पुणी थरे आपण को अनुरोध जो माने सब्सक्राइब करिनांदी सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु जा द्वारा नोटिफिकेशन पाई परिबे नेक्स्ट दिस डेज मेनी पीपल आर अलॉटेड गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस एठी मेनी एम ए एन वाई हेबो एटा मन रखंतु दिस डेज मेनी पीपल आर अलॉटेड गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस तो एठी जो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस अछि एयर एक्चुअल मीनिंग टा कोनो The bold phrases means the bold phrases एटा मीन हेबो मीनस ठीक अच्छे फ्रेज गोटे जेहतु अच्छे फ्रेज दि बोल्ड फ्रेज मीनस कौन हम आजिकल कौन हो मेनी पीपल आर एलोटेड गुड पोस्ट आजिकल बहुत लोक भल भल जब पाँच भल भल पोस्ट अख्तिर करमी अख्तिर कर थ्रु बैक्स्टेयर्स इनफ्लुएंस तो केवे तो कह जाए भल भल लोक मैंने भल पाठ पढ़ी पाई भल कंपिटन को जाइंस सबुबले आम जो लिखु गोटे कथा जिते बिले मैंने प्रायतः सब क्षेत्र में तो अपोजिट कथा लिखुचे से मैंने कपी करके पास कले से लाच दे कि चाकरी कले ये कथा मैंने कही था तो ये बैक्स्टेयर इन्फ्लुएंस मैंने कौन बैक्स्टेयर बैक मैंने पछ बैक्स्टेयर इन्फ्लुएंस मैंने बाय अनफेयर मीन्स मैंने युक्तियुक्त उपाय से चाकरी पाई भल पोस्ट ग्रहण अख्तिर करना से किसी असाधु उद्यम करिसंती बैक्स्टेयर मीन्स मीन अनफेयर मीन्स बैक्स्टेयर इन्फ्लुएंस मीन्स अनफेयर मीन्स नेक्स्ट एटा आमे कोन करबा सेंटेंस को आमे अरेंज करबा सेंटेंस अरेंजमेंट आपण को एग्जाम रे निहाति भाबे आसीबो एवं ए सेंटेंस अरेंजमेंट आमे केमिति करबा देखंतु तो प्रथम कथा मु आपण को कहि छी जे गोटे सब्जेक्ट खोजिबे कोन करबे गोटे सब्जेक्ट खोजिबे तापर गोटे वर्ब खोजिबे यदि सब्जेक्ट अच्छी एटी कौन गोटे फ्रेज जो अच्छे कि कौन खोजे मैंने जो क्लज अच्छी से सब्जेक्ट पर हम एडभार्व क्लज है आगे रिलेटिव क्लज जहाँ भी अच्छी जो थी तो मेन कथा प्रथम सब्जेक्ट गुट कौटा देखा स्पॉटिंग एरर्स इज वेरी इंपोर्टेंट इन द यूसेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स चैप्टर फॉर दोज एस्पायरिंग फॉर सक्सेस तो एठी इज अच्छी तो यहाँ के सब्जेक्ट हम नहीं गला इन दि यूसेज अफ ग्रामाटिकाल इन प्रिपोजिशन स्टार्ट सब्जेक्ट हम ना चैप्टर फॉर दोज
एसपायरिंग फॉर सक्सेस एस्पायरिंग एटा माने इच्छा जो माने कहते चैप्टर फॉर दोज एस्पायरिंग फॉर सक्सेस एटा हेबो नले स्पॉटिंग एरर सब जोटा हेले हेबो तो चैप्टर फॉर दोज एस्पायरिंग सक्सेस एटा हेबो नाइ काहे ना स्पॉटिंग एरर स्टार्ट हेबो देखंतु स्पॉटिंग एरर्स एटा एक नंबर हेबो स्कोट इज स्पॉटिंग एरर देखो वेरी इंपोर्टेंट एटा हेबो नाइ चैप्टर फॉर दोज एस्पायरिंग सक्सेस एटा मधे हेबो नाइ तो कोटा रहला स्पॉटिंग एरर्स इन द यूसेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स माने कोटी होउची से स्पॉटिंग एररटा इन द यूसेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एटा गला सब्जेक्ट हिसाब से देखो स्पॉटिंग एरर परे कोन आसला इन द यूसेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स तापरे भार बसिबो इच ए वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर दोज एस्पायरिंग फॉर सक्सेस एटा 3 हेइबो एटा 4 हेइबो एही हिसाब रे आपण करबे नेक्स्ट तो एटा थिला जे डिस्कशन जदी आपण को भलो लागिला लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं चैनल सहित निहाती भावे कनेक्ट हे के रहंतु।